गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज है 22 जनवरी और आज के इस सेशन में 22 जनवरी के करंट अफेयर के साथ पूरे वीक का रिवीजन भी करने वाले हैं। तो एक बार आप सभी जल्दी से क्लास को शेयर कर देंगे तो डिस्कस करेंगे। पहला सवाल है कि हाल ही में किस नेशनल पार्क के पराली बोडल गांव में पेटेंट वेट के रूप में जाना जाने वाला एक दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ देखा गया है। तो सबसे पहले इस नारंगी रंग के चमगादड़ को आप सभी पिक में देख सकते हैं और इसे कहां पर देखा गया है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसे देखा गया है कांगेर घाटी नेशनल पार्क में। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जो कांगेर घाटी नेशनल पार्क है ये भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो फ्रेंड्स यहां से क्वेश्चन की संभावना पूरी है और ये आता है आपका छत्तीसगढ़ में। यहां पर ही ये ऑरेंज कलर का चमगादड़ देखा गया है। क्लियर? देखिए, कांगेर घाटी याद रखेंगे, इसके अलावा छत्तीसगढ़ से आपको याद रखना है इंद्रावती नेशनल पार्क और याद रखेंगे गुरु घासीदास, इंद्रावती और कांगेर घाटी, ये तीनों ही नेशनल पार्क बहुत महत्वपूर्ण है। और ये कहाँ पर है, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में आते हैं। तो कांगेर घाटी इस समय सुर्खियों में बना हुआ है। अन्य तीन की बात कर लेते हैं तो पन्ना आएगा आपका मध्य प्रदेश में, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जिसका नाम कर दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क और ये कहाँ पर है, उत्तराखंड। इसके अलावा आपका कंचनजंगा, ये आपका आ जाएगा सिक्किम में। तो आई होप चारों ऑप्शंस आप सभी को क्लियर होंगे। अब हमें डिस्कस करना है किसके बारे में, ये ऑरेंज कलर का जो चमगादड़ देखा गया है ना, इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसके बारे में याद रखेंगे, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है कैरीबोला पिक्टा। इस प्रजाति को विश्व स्तर पर लुप्त प्राय श्रेणी में रखा गया है। यह प्रजाति आमतौर पर बांग्लादेश, बुदनोई, बर्मा, कंबोडिया, चाइना, इंडोनेशिया, थाईलैंड और वियतनाम में पाई जाती है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये कहाँ मिली है और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। कांगेर घाटी जो नेशनल पार्क है, यह चूना पत्थर की गुफाओं के लिए काफी प्रसिद्ध है। किसके लिए? चूना पत्थर। देश में चमगादड़ों की करीब 131 प्रजातियां हैं, जिनमें से 31 मध्य भारत में पाई जाती हैं। वहीं बात की जाए कांगेर घाटी नेशनल पार्क की, तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना 1982 में हुई थी और इस नेशनल पार्क का नाम कांगेर नदी के नाम पर रखा गया है। अब ये नदी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि जो कांगेर नदी है, पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर बहती है, तो याद रखेंगे ये छत्तीसगढ़ में बहती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में ही कांगेर नेशनल पार्क आता है। इसकी उच्च जैव विविधता के कारण इसे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नामित किया गया है। आगे डिस्कस कर लेते हैं, तो इंद्रावती और गुरु घासीदास ये हम डिस्कस कर चुके हैं। कुछ अन्य जानकारियां एक बार देख लेते हैं। 170 कैरेट का दुर्लभ शुद्ध गुलाबी हीरा, ये कहां पर खोजा गया है? अंगोला। चमगादड़ों के मोटे अंगूठे वाली जो प्रजाति है ये कहाँ पर मिली है? मेघालय में। बेम्बू डेवलिंग वेट की एक नई प्रजाति की खोज किस अभयारण्य में की गई है? तो नोग खिल्लम वन्य जीव अभयारण्य में इसे खोजा गया है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली किस देश में पाई गई है? तो इसकी खोज कंबोडिया में की गई। किस देश के शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे बड़े पौधे जिसका नाम है पोसिडोनिया ऑस्ट्रोलिस, इसके नाम में ही छुपा हुआ है इसका आंसर, तो याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया में इसकी खोज की गई थी। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप सभी को क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। इस क्लास की पीडीएफ बाद में आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की ओर। कौन सा राज्य पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों के अधिकारों में बढ़ोतरी करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो फ्रेंड्स, जो पंचायती राज संस्थाओं के जो जनप्रतिनिधि होते हैं ना, इनके अधिकारों में बढ़ोतरी की है हरियाणा गवर्नमेंट ने और हरियाणा ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब हमारे लिए यहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है
पंचायती राज। अब पंचायती राज से बनने वाले जो विशेष से क्वेश्चन है एक बार रिवीजन कर लेते हैं। भारत में पंचायती राज की जो स्थापना है वो कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1959 में। कहां से? राजस्थान के नागौर जिले से। किसने की थी? तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया। त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है पंचायती राज की, ये किस समिति के द्वारा दी गई थी? बलवंत राय मेहता समिति। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 क्या कहता है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, आर्टिकल 40 कहता है कि राज्य में ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा कौन? राज्य। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से। 73वां संविधान संशोधन होता कब है? 1992 में। 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 29 विषय हैं। 74वां संविधान संशोधन पूछ ले तो याद रखेंगे इसके तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और ये किससे संबंधित है? नगर पालिका से। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल। भारत में स्थानीय सुशासन का जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड रिपन को। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? बलवंत राय मेहता को। किस अनुच्छेद का संबंध पंचायती राज से है? तो आर्टिकल 243 का संबंध है। अगला सवाल है कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा स्वास्थ्य और जीवन विज्ञान पर केंद्रित चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए अपना केंद्र स्थापित करने के लिए किस शहर को चुना गया है? तो फ्रेंड्स ये जो केंद्र है ना, ये हैदराबाद तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। अब हैदराबाद से यहाँ पर आप रिलेट करेंगे फॉर्मूला ई रेसिंग। फॉर्मूला ई रेसिंग जो कि भारत में पहली बार हो रहा है और इसकी मेजबानी कौन कर रहा है फ्रेंड्स? तो याद रखना है हैदराबाद कर रहा है। अगला सवाल है कि देश की प्रथम ई हेल्पर रोबोटिक एक्सो इसके लेटन गेट थेरेपी मशीन का जो लोकार्पण है ये कहाँ पर किया गया है? तो फ्रेंड्स ये जो मशीन है ना उदयपुर में लगाई गई है जिसे हम झीलों की नगरी के रूप में भी जानते हैं। उदयपुर कहाँ पर आता है? तो उदयपुर आता है आपका राजस्थान राज्य में और यहीं पर यह मशीन लगाई गई है। आगे डिस्कस करेंगे वर्ल्ड बैंक ने किस बैंक को दक्षिण एशिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था घोषित किया है? तो फ्रेंड्स दक्षिण एशिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है पाकिस्तान को। कैसे घोषित किया गया है? तो याद रखेंगे पाकिस्तान को। किस रिपोर्ट के अनुसार? तो ये रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है, पूछी जा सकती है कि ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टस जो रिपोर्ट है ये कौन जारी करता है? तो इसे विश्व बैंक जारी करता है और विश्व बैंक ने इसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के स्थान पर जारी किया है। अच्छे से याद कर लेना, इसरार बना लेना, ये रिपोर्ट छपने की संभावना पूरी है एग्जाम में, है ना। देश को गरीबी से बाहर निकालने के लिए भी पाकिस्तान को परेशानियों का सामना करना होगा, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। अब रिवीजन करेंगे पूरे वीक का, तो आप सभी क्या करेंगे? आंसर देते चलेंगे कमेंट्स बॉक्स में। तो पहला सवाल आंसर बताएंगे आप सभी, पोखरा इंटरनेशनल हवाई अड्डा किस देश में है? तो ये सुर्खियों में था और ये है नेपाल में, और नेपाल ने इसे चाइना की सहायता से विकसित किया है। किस देश की आर बोनी गैब्रियल ने मिस यूनिवर्स 2022 का ताज अपने नाम कर लिया है? तो फ्रेंड्स ये अमेरिका की रहने वाली है। अगला सवाल, सिकंदराबाद विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी किसने दिखाई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। G20 की पहली इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक 16 से 17 जनवरी तक कहां पर हुई है? तो ये पुणे में आयोजित की गई। हाल ही में किस संस्थान को सरकारी क्षेत्र में डेटा सिक्योरिटी के लिए बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिस इन गवर्नमेंट सेक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये जो अवार्ड है ना UIDAI को मिला है। अगला सवाल, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय किस महीने में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाता है? तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है जनवरी के महीने में।
अगला सवाल रिवीजन करेंगे, नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नया नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इस योजना का नया नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। निम्न में से कहां की रहने वाली फलक मुमताज ने 23वीं नेशनल इसके चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहां पर आयोजित की गई? तो ये बैठक हुई है दावोस यानी कि स्विट्जरलैंड में। संविधान साक्षरता अभियान जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो पहला राज्य बन गया है केरल। सीमा सड़क संगठन यानी कि VRO द्वारा किस विदेशी देश के असाइनमेंट पर पहली महिला ऑफिसर कप्तान जिनका नाम है सुरभि जखमोला को तैनात किया गया है? तो भूटान की सीमा पर किया गया है और सुरभि को आप सभी पिक में देख सकते हैं। अगला सवाल, अंधता नियंत्रण नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो पहला राज्य बन गया है राजस्थान। सही आंसर ऑप्शन सी। जल्लीकट्टू 2023 समारोह कहां पर हुआ है? तो आप सभी जानते हैं कि जो जल्लीकट्टू है ये होता है तमिलनाडु में। खबरों में रहे यूकी भामरी और साकेत माई नैनी का संबंध किस खेल से है? तो ये दोनों ही खिलाड़ी टेनिस के लिए काफी जाने जाते हैं। स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो मार्ग जो पोर्टल है ना ये पीयूष गोयल जी ने लॉन्च किया। किस संस्था ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो इस रिपोर्ट को जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बन गया है? तो पहला यूरोपीय देश बना है यूके। किस राज्य ने साझा स्कूल बस प्रणाली और कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना लॉन्च की है? तो फ्रेंड्स इस योजना को मेघालय गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला सवाल रिवीजन करेंगे कि किस मंत्रालय द्वारा जम्मू कश्मीर उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में डॉपलर वेदर रडार प्रणाली का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है किसके द्वारा? तो याद रखेंगे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य में 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की है? तो ये जो खोज है ना ये बिहार में की गई है और बिहार में कहां पर? पटना के पास। भारत के पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक जिसे हम कहते हैं परख, फुल फॉर्म होगा प्रदर्शन मूल्यांकन समीक्षा एवं समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण, इसको किसने अधिसूचित किया है? NCERT ने। किस मंत्रालय ने नीलकुरुंजी को संरक्षित पौधे की सूची में शामिल कर दिया है? तो ये किया गया है पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। नीलकुरुंजी को आप सभी देख सकते हैं और इसकी खासियत ये है कि ये 12 साल में एक बार खिलता है। हाल ही में पहली बार स्टार्टअप द्वारा प्रस्तावित नवाचारी 5G तकनीकों को प्रारंभ करने वाला विदिशा जिला किस राज्य में स्थित है? तो विदिशा आता है मध्य प्रदेश में। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का 21वां संस्करण पश्चिमी समुद्री तट पर हुआ है? तो वरुण भारत करता है फ्रांस के साथ। केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण की योजना प्रारंभ की जा रही है? तो 20% मिलाया जाएगा। भारत ने किस देश के विरुद्ध एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? श्रीलंका के खिलाफ। हैदराबाद के 8वें निजाम जिनका नाम था प्रिंस मुकर्रम जाह बहादुर, इनका निधन किस देश में हुआ है? तो इनका निधन हुआ है तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में। किस देश की जनसंख्या वर्ष 1961 के बाद सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है? तो चाइना की जनसंख्या में की गई है। भारत और किस देश की सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट हुआ है? तो साइक्लोन फर्स्ट किसके साथ आयोजित किया गया? मिस्र के साथ। हाल ही में किस राज्य में एक दुर्लभ कम ऊंचाई वाले बेसाल्ट पठार की खोज की गई? महाराष्ट्र। कलवारी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी का नाम क्या है? तो INS बागीर इसका नाम है और ये 6 पनडुब्बियां बनाई जा रही हैं फ्रांस की कंपनी के सहयोग से। प्रसिद्ध असम कवि नीलमणि फुकन का निधन हो गया, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? 2021।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निर्देशक कौन बने हैं? तो इनका नाम है प्रवीण शर्मा। अरुण मिलर मैरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर चुनी जाने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बनी। इनका जन्म कहां पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था हैदराबाद में। दुनिया की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी जिसका नाम है फितुर, इसका आयोजन कहां पर हो रहा है? तो इसका जो आयोजन है स्पेन की कैपिटल मैड्रिड में हो रहा है। भारतीय अंतरराष्ट्रीय विज्ञान उत्सव कहां पर होने वाला है फ्रेंड्स? तो ये होगा भोपाल मध्य प्रदेश में। भारत ने किस देश को पेंटावेलेंट टीकों की 12,500 खुराक दान करने की घोषणा की है? तो ये खुराक दी जाएंगी क्यूबा को। अगला सवाल रिवीजन करेंगे कि किस राज्य की पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल लॉन्च की है? साइबर कांग्रेस जो पहल है ये किसने लॉन्च की है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, इसे लॉन्च किया गया है तेलंगाना पुलिस के द्वारा। किस ब्रिटिश भारतीयों को फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड इनका नाम है मनीष तिवारी। अगला सवाल, ग्राम रक्षा समितियों को पुनर्स्थापित करने की घोषणा किसने की है? तो फ्रेंड्स ये जो घोषणा है ना ये की गई है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी के द्वारा। अगला सवाल, किस देश की प्रधानमंत्री जिनका नाम है जेसिंडा, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है? तो ये वर्तमान में न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं। पहला ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट कहां पर होने वाला है? तो फ्रेंड्स ये पहला है और ये होगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत रूस संयुक्त उद्यम ने भारत के किस राज्य में AK-20 असॉल्ट राइफलों के निर्माण को शुरू किया है? तो ये राइफलें कहां पर बनेंगी? उत्तर प्रदेश के अमेठी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे भारत का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल और उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं पंकज कुमार सिंह, जो कि इससे पहले BSF के प्रमुख थे। G20 के अंतर्गत Think20 समूह की 2 दिवसीय बैठक कहां पर आयोजित की गई? तो ये बैठक हुई है भोपाल मध्य प्रदेश में। सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन कहां पर किया गया? दूसरे चरण का जो उद्घाटन है ये बस्ती में हुआ है और बस्ती कहां पर आता है? उत्तर प्रदेश में। उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगला सवाल, खबरों में रहा नानेरा क्या है? तो फ्रेंड्स ये एक राजस्थानी फिल्म है। अगला सवाल, सीबी जॉर्ज को हाल ही में किस देश में अगले भारतीय राजदूत के रूप में नामित किया गया है? तो इनकी नियुक्ति हुई है मार्शल आइसलैंड में। किस संस्था ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की है? तो इस रिपोर्ट को जारी करता है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। भारत ने किस देश में सामुदायिक विकास परियोजना के लिए 100 मिलियन रुपया की घोषणा की है? रुपया कहाँ की मुद्रा है? तो ये है मालदीव की। मानवता की सेवा के लिए बहरीन का ISA पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये पुरस्कार मिला है डॉक्टर सेंडुक रुइट को। अगला सवाल, भारत का पहला 3X प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर किस राज्य में लगाया गया है? तो ये लगाया गया है कहां पर? कर्नाटक में। छत्तीसगढ़ राजस्थान पंजाब के बाद किस राज्य ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया है? हिमाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स आज के इस सेशन में 22 जनवरी के करंट अफेयर के साथ साथ पूरे वीक का करंट अफेयर भी क्विक रिवीजन कर लिया। तो आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।